इस चिमनी को हो गए हैं 3-4 महीने यूज करे हुए, और मैंने कुछ चीजें अब नोटिस करना शुरू कर दिया जो कि मुझे लगा इस वीडियो में बताना जरूरी है। ये ऑलरेडी एक इंस्टॉल्ड चिमनी है जिसका मैंने डिटेल वीडियो बना चुका था। इस वीडियो में आपको इसका क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या यूज करने के बाद मुझे देखने को मिल रही है वो मैं दिखाऊंगा, और पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको भी लगे कि अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है कहीं पर तो आपको कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा। सबसे पहले बता दूं, ये जो है चिमनी का, मैंने यहाँ पे वॉल माउंट वाला जो सिस्टम होता है स्विच, वो लगवा रखा था, तो वहीं से वायरिंग जाती है और इंस्टॉल्ड ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कैसे क्या हुआ था। ठीक है, तो मैं इसको पावर देने के लिए पहले तो ये स्विच ऑन करता हूँ, और जैसे ही स्विच ऑन करूंगा यहाँ से एक ट्यूनिंग आती है और ये ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद सिंपल सा मुझे ऐसे करना है। ये जो आवाज आप देख रहे हैं ये पहले नंबर की आवाज है, लेकिन काफी लोग कहते हैं कि भाई इसकी अब आवाज जो है काफी तेज है, लेकिन आवाज तेज है एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जो आवाज होती है वो तेज तभी होती है जब मोटर में दम होता है। कोई भी नॉइस जिसमें कम होगी उसका इंजन में पावर भी उतना ही कम होगा, तभी वो नॉइस लेस कहलाएगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों को मार्केट में बेचने के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग कंपनियां अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकती है कि ये नॉइसलेस है या ये अलग तरीका है, इसमें ये लाइटिंग है वो लाइटिंग है, लेकिन आपके दिमाग में एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर आपने घर में चिमनी नहीं लगवाया उससे पहले एग्जॉस्ट भी लगाया होगा, तो एक आती है प्लास्टिक की एग्जॉस्ट और एक होती है लोहे की एग्जॉस्ट। आप लोग में से खुद जानते होंगे लोहे की एग्जॉस्ट आवाज़ बहुत करती है लेकिन वही पावरफुल होती है, लेकिन वही प्लास्टिक की चिमनी जो होती है वो आवाज़ कम करती, प्लास्टिक की जो पंखे होते हैं वो आवाज़ कम करते हैं लेकिन उनमें दम कम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक खास बात, इसमें 1 नंबर पे मैं अगर 2 घंटा 3 घंटा रेगुलर चलाऊं तो मेरा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 250 रुपये बिल आएगा, उससे ज़्यादा आया नहीं है। एक्चुअल में मेरा घर पे बिल बिजली का बिल आता भी नहीं क्योंकि हम लोग CFL वगैरह यूज़ करते हैं और लाइटिंग में बहुत ध्यान देते हैं। कुछ टाइम बाद मैं वीडियो में ये भी दिखाऊंगा मेरा बिजली का बिल इतना कम क्यों नहीं आता है। अब देखिए, इसमें आवाज़ वाली जो दिक्कत है वो मैंने बता दी पहले ही कि इसमें आवाज़ बहुत है। ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे बहुत तेज़ आवाज़ है। ठीक है, फिर एक बार अगर हम ये करें फिर से बंद हो जाएगा। अब मैं अगर इसको बंद करूँ, ठीक है, ये अब बंद हो जाएगा। ठीक, इसका एक अच्छा मुझे चीज़ लगा। अब मैं इसकी एक ख़ास बात बता दूँ, मैं चाहे जितनी बार हाथ फेरूँ ये हर बार सेंस कर लेता है। मेरे को आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि इसने सेंस ना किया हो। बहुत बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ में। अब आपको मैं चीज़ें कुछ बता दूँ। ये जो लाइट है मैं इसको दबाता हूँ, ठीक है, सिर्फ लाइट जल रहा है। आप ठीक, आप कैमरे में देख पा रहे होंगे कि अब ये लाइट जल रहा है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ दिखाऊँ दोस्तों, तेल जो है साइड में ये जो इधर की तरफ है यहाँ चिपकता जरूर है। अभी मैं फ्लैश जला के दिखाता हूँ, ठीक है, ये अच्छा मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ यहाँ का, तब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, ये जो तेल है और जो हमारा यहाँ रोटी बनती है तो वो सब का जो धूल, और मतलब धूल तो नहीं कह सकते, रोटी का बुरादा वगैरह वो सब उड़ता है। ठीक है, ये देखिए तो ये चिपक जाता है इसमें। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, टाइम टू टाइम क्लीनिंग करना है। अब क्लीनिंग कैसे होता है, ठीक है, तो क्लीनिंग के लिए आपको ये जो बटन है इसको प्रेस करके रखना होगा। कुछ देर तक प्रेस करके रखेंगे तो ये ऑन होने के बाद ही, सॉरी, ये ऑन करने के बाद ही ये होगा। ऑन करिएगा और इसको कुछ देर तक प्रेस करिएगा। ठीक, अब देखिए 9 जैसे ही लिख के आ जाएगा। ठीक, आपको दिखा दूं 9 लिख के आ रहा है। ये जैसे ही 9 लिख के आ जाएगा आपको ये पता होना चाहिए कि ये अब उल्टी गिनती शुरू, 9 से लेकर ये 0 तक जाएगा। ऑटो हीट टेक्नोलॉजी से ये क्लीन होता है। मोटर अपने आप थर्मल हीट जनरेट करता है और जो तेल है गल के इस कंटेनर पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक कौन सा आपको देखने को मिलेगा, मैंने अपने घर का बिजली का बिल बताया कि 250 रुपये आता है, अगर मैं इसको 3 घंटे यूज़ करता हूँ एक्स्ट्रा आता है, मेरा 250 रुपये बिजली का बिल नहीं आता। पता चले आप केसा वालों या आप बिजली इलेक्ट्रिसिटी विभाग वालों को फ़ोन करके बता दो कि 250 रुपये कैसे बिल आ सकता है। ठीक है, तो ये जो है 9 से लेकर 0 तक जाएगा और उस कंटेनर पे लगेगा। एक चीज़ याद रखिए, मैंने जो बताना चाह रहा था, अगर आप डेली इसको ऑटो हीट में लगा के क्लीन करते हैं
तो आपका बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि ये अभी अंदर हीटर चल रहा होगा, जो कि मैं यहां से अगर दिखाऊंगा नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि वो हीटिंग जो आपके नॉर्मल हीटर होता है वैसा नहीं होता है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो सही जगह लगेगा कि नहीं, क्योंकि अभी तेल कितना क्या निकलेगा वो सब दिखेगा इसमें, ठीक है। और एक और चीज आपको ये पता होना चाहिए, ये जो चीज है इसको साफ करते रहना चाहिए, हफ्ते में दो बार तो साफ करिएगा, मतलब सॉरी दो हफ्ते में एक बार तो साफ करिएगा, ठीक है। और इसको भी, ये जो साइड के दिख रहे हैं, इसको भी कपड़े से साफ करा करिए, तभी ये अच्छा चमक रखेगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। लाइट वगैरह के ऊपर कपड़े मारते रहा करिए, और साथ ही साथ ये नट बोल्ट, मेरे कैमरे में फोकस डालने की कोशिश करता हूँ, ये नट बोल्ट खुल जाते हैं, ठीक है, इनको खोल के जाली को अच्छे से साफ कर लीजिएगा। इसको स्कॉच ब्राइट या कोई भी ऐसी चीजों से मत साफ करिए जिससे दाग आ जाए, क्योंकि भैया हम नया आइटम ले रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, आप चाहेंगे कि दो तीन साल तो एटलीस्ट चल जाए, ठीक है। ये जब भी चलेगा तो आपको ये मान के चलना है कि कम से कम अच्छी लॉन्ग लाइफ मिले इसको। हाँ, एक जो खराब चीज लगी है वो ये है कि मेरे घर पे यहाँ से धूल, तो मतलब धूल हो गया, जो भी हो गया, सब ये ले लेता भैया, आप मानो ना मानो बहुत पावरफुल है, यहाँ पे बहुत धूल जम जाती है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसको भी रेगुलर बेसिस पे साफ करिएगा, क्योंकि उसके ऊपर भी जो दिख रहा है वहां पे भी धूल जमती होगी, उसको साफ करने के लिए काफी मेहनत लगती है, क्योंकि यहां से ये चढ़ना, ठीक है, फिर ये यहां तक आना बहुत बहुत मुश्किल का काम होता है। मैं ऑफिस में रहता हूँ, मेरी मम्मी इतना कर नहीं पाती है, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो करता हूँ। आज मैं ऑटो हीट टेक्नोलॉजी का यूज भी करने वाला था, तो मैं क्लीनिंग वगैरह भी दिखा दे रहा हूँ, पूरा तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन ये जो जीरो हो जाएगा वहां से वीडियो दोबारा से चालू हो जाएगी, ठीक है। ये अभी जीरो पे आते ही अपने आप ऑन हो गया, और यही इसका फंक्शन है, जैसे ही जीरो पे आता है अपने आप ऑन हो जाता है। उल्टी गिनती चलती है 9 से लेकर 0 मिनट तक, मतलब 1 मिनट तक उल्टा गिनती चलता है, तो टोटल 9 मिनट में ये अपने आप को क्लीन कर लेता है अंदर से। बाहर का क्लीनिंग जो होगा वो आपको करना होगा, जब तक इसका ये जो आवाज़ आ रही है इसकी फ़ैन की वो बंद नहीं होगी, अपने आप ऑफ नहीं होगा, तब तक हम लोग इसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि तेल वगैरह यहाँ पे गिर रहा होगा, ठीक है, और जमा हो रहा होगा, फिर हम इसको दिखाएंगे कितना तेल निकला। मेरा ये 2 हफ्ते मैंने बिना तेल निकाले ही काम चलाया है, तो पता चल जाएगा कितना क्या निकलेगा, ठीक है। वीडियो का एंड तक बने रहिएगा, और मैं बता दूँ मेरे घर में चिकन वगैरह नॉनवेज वगैरह बनता ही रहता है, इस पराठा बनता है, ठीक है, सब बनता है, नाश्ते में तो पराठा बनता ही बनता है, दूध उबलता है, ठीक, तो एक तरीके से मॉइस्चर वगैरह जो है आता ही है, ठीक, तो मॉइस्चर हो गया, तेल हो गया, सब कुछ मतलब इसको मिलता है। तो ये अब फिलहाल तो बंद हो गया है, ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना क्या तेल निकलेगा। सो अभी हमने कैमरा को एंगल में सेट किया है ताकि आपको पूरा कैसे खुलता है दिखे, ये इस तरीके से बस पीछे की तरफ घसीटना है और ये आ जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ कितना इसमें तेल निकला है, तेल तो फिलहाल यहाँ से चू रहा है, और इसको यहाँ रखते हैं, और ये है इसका तेल, काफ़ी ज़्यादा तेल निकला है। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए दोस्तों कि ये तेल अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकल रहा है तो वो एक खतरे की घंटी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ड्यूरेशन पे क्लीन करना है, मतलब अगर 2 हफ्ते में एक बार करते तो 1 हफ्ते में ये एक बार कर दीजिए, हफ्ते में एक बार करिए, फिर मतलब आपको ये समझना है कि तेल की क्वांटिटी जितनी निकल रही है, ये जो निकला है ये मिनिमम है, ज़्यादा तेल नहीं है, लेकिन अगर यहाँ तक भर भर के निकल रहा तो इसका मतलब आपके यूजेज ज़्यादा है, तो तेल की क्वांटिटी भी आपको घटानी पड़ेगी, आपको रेगुलर बेसिस में साफ करना पड़ेगा। यहाँ पे डाल के हम इसको अच्छे से साफ कर लेंगे, अपना जो भी केमिकल वगैरह यूज करते हैं जो, ठीक है, उसके बाद इसको नॉर्मली वहाँ पे फिट कर देंगे। एक चीज और बता दूँ कि यहाँ पे जो है आप कोई भी गीले कपड़े को हल्का सा सर्फ एक्सल या कोई भी गर्म पानी करके गीले कपड़े में लगा के धीमे धीमे पोंछ सकते हैं, ठीक है, उसके बाद अच्छे से सूखे कपड़े से साफ कर दीजिएगा, तभी इसमें जो है चमक वापस आ जाएगी। और ये जाली भी खुलती है, अभी दिखाएंगे, ठीक है, तो जाली भी खोल के दिखा दे रहा आपको, ये जो है जाली खोल रहा हूँ, इस तरीके से ये पेच निकल आता है, और जाली हम इस तरीके से खोल लेंगे, और
एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ और एक हाथ से कैमरा पकड़ा हूँ, मतलब कैमरा पकड़ा हूँ, तो गिर सकता था लेकिन फिर भी कुछ हुआ नहीं। ये जो है जाली निकल जाती है, इसको भी हम अच्छे से क्लीन करके इसमें वापस लगा देंगे। तो वीडियो को पॉज करता हूँ, क्लीन कर लेता हूँ। क्लीनिंग का प्रोसेस मुझे लगता नहीं आप लोगों को बताने की ज़रूरत है। नॉर्मली जो आपका क्लीनर वगैरह उसको यूज़ करके इसको क्लीन करके वापस से लगाना होता है, तो लगाने का मैं दिखा दूंगा और आपको मोटर दिखा दे रहा हूँ। यही है वो मोटर जो क्लीन करता है और हीटिंग वगैरह जो भी आप देखते हैं, जो बताया जाता है वीडियो में, वो इसी के अंदर ही होता है जो भी। तो उसको दिखाना तो पॉसिबल नहीं है। बाकी ये जो देख रहे तेल, ये सब इसको क्लीन किया जा सकता है एक कपड़े से पोंछ के, तो वो चीज़ भी दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा। लेकिन पहले इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ। अभी हमने इसको साफ कर लिया है अपने डिटर्जेंट से और अब बारी है ये ऊपर ऊपर जो ये है, इसको मैं कपड़े से, सूखे कपड़े से ही पहले तो साफ कर लूँगा, क्योंकि ये ऑलरेडी केमिकल से साफ हो चुका है। केमिकल में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो ज़्यादा हार्श ना हो, मतलब एक तरीके से पूरा एसिड जैसा ना हो, ठीक है। आप कॉलिन वगैरह का यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से आप बाहर का पूरा आराम से क्लीन कर सकते हैं। अंदर करने के लिए आपको स्विच ऑफ करके ही इसको मतलब आगे हैंडल करना है। और ये देख रहे जो इस तरीके से निकलता जाता है, ठीक है। फिलहाल मैं वीडियो में पूरा नहीं क्लीन करके दिखाऊंगा बाहर का, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लग जाएगा और लंबा वीडियो हो जाएगा। और वीडियो में जो जो मेन पॉइंट्स थे मैंने वो पकड़ लिए हैं कि कैसे क्या क्लीन करना है, ठीक है। और अब बारी आती है इसको लगाने की, कैसे लगेगा वो मैं दिखा दे रहा हूँ। तब वीडियो फिलहाल मुझे पॉज करना पड़ेगा क्योंकि सब अभी भी हाथ गीला हो जाएगा, हाथ पोछना पड़ेगा, इसको भी पोछना पड़ेगा, तो बने रहिए। अभी आपको शायद मेरी आवाज़ कम आने लगे क्योंकि मैं उस तरह वीडियो बनाऊंगा और मेरा माइक का डायरेक्शन उस दिशा में होगा। तो आप ये देखिएगा मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको उठाऊंगा और फिट करूंगा, ठीक है। ये डायरेक्शन याद रखना है कि यहाँ पे पेच वाला एरिया होना चाहिए। अब मैं इसको उठा के बस इसको पीछे की तरफ प्रेस कर दूंगा। एक नट लगने के बाद दूसरा नट हम जो है लगा देंगे। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि इनमें से एक नट जो होगा वो पहले कायदे से लगाना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो इसमें बैलेंस नहीं होता है क्योंकि ये आगे जाके फैल जाते हैं, ठीक है, आगे जाके फैल जाते हैं। इन दिस सेंस ये टेढ़ा मेढ़ा ना हो या वाइब्रेशन ना हो, इसलिए ये बैलेंस नहीं हो पाता। तो पहले ये वाला लगा लेते हैं, अब ये वाला लग जाएगा। और सिंपल सा ये, इसमें कुछ करना नहीं होता, इसका जो डायरेक्शन है इधर की तरफ करके हमें बस अंदर करना होता है, ठीक है, बस पीछे की तरफ ढकेल देना होता है। यहाँ पे दो क्लिप बने होते हैं जो इसको वो कर लेते हैं अपने, मतलब जो सिस्टम बना ही होता है, आप लोग अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बस इनको पीछे ही करना होता है। अब मैं बता दोस्तों, ये जो है इसकी सक्शन पावर बहुत पावरफुल है। ये आप ये समझ सकते हैं जब रोटी वगैरह बनता है तो उसका पूरा जो एक्सट्रैक्ट वो ऊपर कर लेता है तो कितना पावरफुल होगा। अब एक चीज बता दूं, इसको रेगुलर बेसिस पे मैंने जैसे बताया क्लीन करते रहिएगा और कोशिश ये करिएगा कि अपने हिसाब से अंदाज लगा लें कि आपके तेल कितना एक्सट्रैक्ट निकल रहा है आपके खाने से और इसमें कितना जमा हो रहा है। जितना ज़्यादा क्वांटिटी में तेल पहली बार निकलेगा आपको समझ जाना है कि क्या किस किस टाइम पे आपको क्लीनिंग करनी है, ठीक है। कहने का मतलब है अगर आपका तेल ज़्यादा निकल रहा है पहली बार जब यूज़ किया है एक हफ्ते में, तो आपको हफ्ते में दो बार या एक बार तो अच्छे से साफ करना ही होगा। ज़्यादा जितना ज़्यादा तेल उतना जल्दी जल्दी आपको ऑटो हीट का यूज़ करना ही होगा। बाकी चिमनी के रिव्यू के बारे में बता दूं, मैं ऑलरेडी इस वीडियो बना चुका हूं तो मतलब नहीं बनता इसके बारे में डीप डिटेल वीडियो बनाना। अगर आप उसको वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे ही चैनल पे मिल जाएगा और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। बहुत बढ़िया चिमनी है, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और ये सब जो है उसी के साथ ही मिला है। और कुछ चीज़ें अलग से लगवाई है, जैसे अलग से जो एक्सटेंड वाला पाइप है वो लगवाया है, ठीक है। वीडियो यहाँ तक पसंद आई तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछना कमेंट में या इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली आके पूछ सकते हैं।